तो गाइस मुझे नहीं लग रहा है यार अब मैं व्लॉगिंग कर पाऊंगा, क्योंकि यार आज फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार गोप्रो घर वालों ने निकालने दिया मुझे यार। मैंने व्लॉगिंग बंद करनी होती तो पहले मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, टांग लेग वगैरह हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, टूट गई थी हड्डियां, तो मैं तब भी बंद कर सकता। मुझे परसों ही मैंने यार उसमें फेयरिंग डलवाई, मैंने आपके लिए व्लॉग भी बना के रखा होता, मैंने अपलोड नहीं किया हुआ अभी, तो मैंने आपको फाइनल लुक दिखानी थी उसकी। गाइस ये देख लो यार मेरी हेलमेट। इस एक्सीडेंट के बाद ना मुझे ये भी पता चल गया कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन थोड़ा सा। स्पीड भी मेरी नॉर्मल थी, पर यार कुत्ता अचानक ही आगे आ गया और बाइक उसके ऊपर चढ़ गई, आपसे बाइक गिरी है ना नीचे, और मैं भाई मैं नहीं बता सकता यार। हवा खींचो खींचो यार, कहने पर कोई नहीं चलने देते। ये देखो यार ये टूटी है, और यहाँ से देखो भाई मुला कंडा करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपको एक चीज कम लग रही होगी पीछे यार, वो है हमारी KTM RC। और यार मैं क्या बताऊँ यार, रात का बहुत ही गंदा सीन हुआ आपके भाई के साथ। ये देखो अभी कहाँ कहाँ लगी है मैं बता नहीं सकता। तो गाइस हुआ क्या सीन, रात को मैं आ रहा था बाइक लेके, तो यार पता नहीं क्या हुआ यार, अचानक से एक कुत्ता आ गया मेरे आगे, बाइक को ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं मिला यार। स्पीड भी मेरी नॉर्मल थी, पर यार कुत्ता अचानक ही आगे आ गया और बाइक उसके ऊपर चढ़ गई, और बाइक कहाँ से नीचे गई है मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, वहाँ से आप खुद देख लेना, इतना गंदा सीन हुआ ना। और मैं आपको अपनी हेलमेट दिखाता हूँ भाई। गाइस ये देख लो यार मेरी हेलमेट भाई, देख लो मतलब सोच सकते हो आप कितनी जोर से गिरा हूँ मैं, मतलब हेलमेट की यही हालत है। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहनी होती तो गाइस इसलिए बोलता हूँ कि हेलमेट पहन के रखा करो भाई, अगर हेलमेट नहीं ना होती कल सिर पे तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता आपके लिए। मतलब इतना गंदा सीन हुआ है ना रात का, मैं बता नहीं सकता, आप क्लिप पे देखना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या सीन हुआ है। फिर उसके बाद फिर से मेरा सीन हुआ क्या, मैंने भाई को फ़ोन किया कि मुझे लेने आ, तो मुझे लेने आया, हम वापस आ रहे थे, फिर से यार कुत्ता आ गया है बाइक के, और हमारी RS भी गिर गई। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से टूटी हुई है ये देखो यार ये टूटी है, और यहाँ से देखो भाई देख रहे हो, ये देखो फेयरिंग, और ये लीवर भी टेढ़ा हो गया भाई, ये मुझे अभी सुबह पता चला। और ये देख लो भाई बहुत गंदा सीन हुआ है यार कल का, यार बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन हुआ है रात का, मैं बता नहीं सकता यार। और मुझे नहीं लग रहा है यार अभी गाइस मुझे बाइक मिलेगी, क्योंकि यार अभी भी बड़ी मुश्किल से यार बाइक निकाली है मैंने, पर घर वाले दे रहे नहीं थे, क्योंकि यार आपको पता है मेरा तीसरी बार सीन हो गया, वो भी इतना गंदा वाला, मतलब ये तो सबसे गंदा वाला हुआ ना, मतलब क्योंकि मरते मरते बचाऊँ भाई, मतलब जिस हिसाब से बाइक गिरी है ना नीचे, और मैं भाई मैं नहीं बता सकता यार भाई, बहुत गंदा सीन हुआ है मेरे साथ यार, मुझे समझ नहीं आ रही हो रहा क्या है यार मेरे साथ, थोड़े दिन से यार मेरे डेली क्रैश हो रहे हैं। तो गाइस मुझे नहीं लग रहा है यार अब मैं व्लॉगिंग कर पाऊंगा, क्योंकि यार आज फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार गोप्रो घर वालों ने निकालने दिया मुझे यार, घर से इतनी गालियाँ बढ़ रही हैं ना, बोलते बाइक वगैरह बेच दे, कुछ भी नहीं रखना है, तू घर पे रह, कहीं भी नहीं जाना तू। पर मैं यार आपको पता है यार, अगर मैंने व्लॉगिंग बंद करनी होती तो पहले मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, टांग लेग वगैरह हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, टूट गई थी हड्डियाँ, तो मैं तब भी बंद कर सकता, मुझे बंद नहीं करनी है। पर यार मुश्किल है यार, अब नहीं कर पाऊंगा मैं यार व्लॉगिंग, घर वाले नहीं देंगे यार बाइक। अभी यार मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के पास, क्योंकि रात का उसका पता नहीं क्या क्या टूटा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैंने सिर्फ बाइक को बुलाया तो बाइक लेके आ रहा था, फिर दोबारा सीन हो गया, तो अभी वो यार वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ यार क्या क्या टूटा, उसको भी रिपेयर कराना है। अभी यार रिसेंटली मैंने परसों ही मैंने यार उसमें फेयरिंग डलवाई, मैंने आपके लिए व्लॉग भी बना के रखा होता, मैंने अपलोड नहीं किया हुआ अभी, तो मैंने आपको फाइनल लुक दिखानी थी उसकी, क्योंकि यार थोड़ा बहुत रह गया था काम, तो मैंने सोचा कि एक ही बार कंप्लीट करके फिर व्लॉग चढ़ाऊंगा, तो अभी चढ़ाया भी नहीं था, तो पहले ही खत्म हो गया भाई सब, मैं कुछ नहीं बता सकता यार अब। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको बाइक क्या कंडीशन है उसकी, तो अभी जाता हूँ वहाँ पे, तो दिखाता हूँ आपको। खिचो
आइयो आइयो आसे 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 तो फाइनली गाइस अभी मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे मेरा क्रैश हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जगह है। गाइज वो रही अपनी KTM, वो सामने खड़ी है। और हुआ क्या सीन, मैं आ रहा था वहाँ से और यहाँ पे था कुत्ता, तो कुत्ते ने यहाँ से अचानक ही मेरे आगे छलांग लगा दी और बाइक मेरी यहाँ से स्किट हुई है। ये देखो निशान पड़े हैं यहाँ से स्किट होते 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 होते। और ये देखो मेरी बाइक का ही सामान है, हाँ ये मेरी बाइक के ब्रेक का लीवर ये टूटा है। और बाइक मेरी यहाँ से जाते जाते वो नीचे चली गई थी, वहाँ से फिर रस्सी डाल के खींची हुई है भाई, अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे जाती ना तो बाइक मेरी नीचे जानी थी। देख लो यार कैसी जगह है यहाँ पे, मतलब ख़त्म हो जाता सब यार। बाकी यार मुझे तो नहीं लगी थी, पर यार जब बाइक को बुलाया ना मैंने अपने लेने आ मुझे, तो यार उसको लगी जब ये आ रहा गिरी हमारी तो फिर उसको लगी। बाकी मैं आपको यार बाइक दिखा देता हूँ क्या क्या टूटा हुआ है इसका, ज़्यादा तो नहीं हुआ है कुछ। A few moments later. तो गाइज यार बाइक को फाइनली मैं घर पे लेके आ गया हूँ, तो दिखाता हूँ आपको यार क्या क्या टूटा हुआ उसका। मैं यार लीवर लेके आया इसका जम्मू से, बाकी ब्रेक वाले सारे लीवर लेके आ गया, पर यार हुआ क्या सीन मेरे से फिट नहीं हुआ, तो अभी विदाउट ब्रेक्स मैं यहाँ तक लेके आया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या टूटा हुआ बाइक का, पहले तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि कोई कोई आ जाता है फिर यार बार बार पूछते हैं यार आगे इतना दुख हो बंदे को, फिर उसको पूछना बार बार कि क्या हुआ क्या नहीं। इतने मैंने उस टाइम आपको दिखाया नहीं क्योंकि लोग आ गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया था। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या टूटा हुआ। तो गाइस देख लो यार ये स्क्रैचेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे भी थोड़ी बहुत, और ये ब्रेक बिल्कुल टोटली काम नहीं कर रही है, मैंने ट्राई किया पर ये फ्री फेल हो गई है, और ये पिछली ब्रेक भी टूट गई हुई है इसकी। अभी यार इंजन ब्रेकिंग से लेके आया इसको मैं बड़ी मुश्किल से। तो गाइस अभी एक अपने भाई के पास आया था, तो भाई ने यार नट काट के दिया मुझे। तो यार फाइनली अपना लीवर निकल चुका है, तो अभी यार इसको सेट वगैरह करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस अपने भाई ने यार लीवर इंस्टॉल कर दिया हुआ है, ब्रेक लीवर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है पर यार कोई चक्कर नहीं है, ब्रेक लगाने के लायक हो गई है, अब हम इसको चला सकते हैं। भाई बोल रहा है मैं पेंट भी मार के दे दूंगा, तो देखते हैं यार दिखाता हूँ आपको पेंट वगैरह मार के। तो गाइस अभी अपनी बाइक को हो रहा है पेंट यार, अभी अपनी बाइक मस्त लग रही है यार, भाई हमारे यार देख लो भाई। तो गाइस पेंट करवा के दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है फिर। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक मैंने रेडी करवा दी हुई है रात की, तो यार रात को 10 बज गए थे यार सेटिंग वगैरह कराते, तो अब मैं दिखा देता हूँ बाइक की कंडीशन कैसी है। चेक करो गाइस बाइक बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू हो गई है, मतलब नॉर्मल स्क्रैचेस थी वो टोटली गायब हो चुकी हैं। देख लो यार थोड़ी भी स्क्रैचेस नहीं दिख रही होंगी आपको, ऐसे ध्यान से देखोगे ना बिल्कुल पास से तो फिर थोड़ी थोड़ी दिखेंगी, बट नॉर्मल स्क्रैचेस पूरी गायब हो चुकी हैं, टोटली क्लीन हो चुकी है। और नीचे से वो जो पैनल वाइट था वो भी मैंने ब्लैक करवा दिया। अभी यार बोम लग रही है अपनी बाइक, तो यार कोई सीन नहीं है, बाइक हमने ठीक करा दिया, और ये ब्रेक लीवर भी डलवा दिया हुआ है, ब्रेक लीवर भी डलवा दिया। अब रहा है ये वाला लीवर जो मैं अभी डलवाने जा रहा हूँ, सारे लीवर वगैरह डलवा के बाइक पूरी सेट कर देंगे। बाकी यार इस एक्सीडेंट के बाद ना मुझे ये भी पता चल गया कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन बस फॉर्मेलिटी करने आता था। चलो कोई सीन नहीं है यार, जो भी ऐसे ही है। जिन बंदों को मैंने अपना भाई समझा उन बंदों ने एक बार पूछा तक नहीं कि भाई तू ठीक है यार क्या हुआ क्या नहीं। चलो कोई सीन नहीं है यार, हमको कौन सा फर्क पड़ता है, खुश रहें यार बंदे, कोई चक्कर नहीं है भाई। और आज मैं जा रहा हूँ यार ब्रेक वगैरह सेट करवा दूंगा, तो यार भाई को अपने सपोर्ट करो यार, जल्दी से जल्दी 10K करा दो अपने भाई के। बाकी यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।